सानू के मालिक का कोई पता नहीं। गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में सानू का सफर तकरीबन एक महीने पहले स्टार्ट हुआ। सानू जब हमारे पास आया तो हमने देखा कि इसकी एक पैर की हड्डी टूटी हुई है। हमने कभी नहीं सोचा था कि सानू चल फिर पाएगा, क्योंकि इसकी हड्डी इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थी। हमने इसकी हड्डी पर ड्रेसिंग की, प्लास्टर लगाया कि सानू की हड्डी कैसे ना कैसे जुड़ जाए। यह सफ़र 10 दिनों तक चलता गया, लेकिन सानू की हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया और सानू भी दिल हार चुका था। लेकिन हमारी उम्मीद अभी भी थी। डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि सानू की हड्डी को एम्प्यूट करना पड़ेगा। एम्प्यूटेशन के बाद हमारी उम्मीद उस समय जागी जब सानू दौड़ने लगा। सानू को अब यहाँ आए पूरा एक महीना हो चुका है। सानू अब तक फर्स्ट चैम्बर में था। जल्दी ही सानू की शिफ्टिंग सेकंड चैम्बर में कर दी जाएगी। सेकंड चैम्बर में हमारे पास वो गाय, बछड़े और बैल हैं जो कि 80% ठीक हो चुके हैं। सानू की लाइफ स्टोरी के साथ मुझे एक बात और करनी है। अक्सर हमें कई लोग बोल देते हैं कि आपका या किसी का भी कोई अधिकार नहीं है किसी के टांग को काटने का। हो सकता है तो आप बिना एम्पुटेशन के ट्रीटमेंट करिए। सानू के केस में हमने लगभग एक हफ्ते तक बिना एम्पुटेशन के ट्रीटमेंट करना चाहा, लेकिन यह ना हो पाया। सानू की हड्डी को एम्पुटेशन करना ही पड़ा। हो सकता था अगर हम एम्पुटेशन ना करते तो 4-5 साल सानू की ज़िंदगी कम हो जाती, लेकिन आज सानू दौड़ रहा है। यह एम्पुटेशन के साथ ही हो पाया है।